बीम जो है इसमें 6-6 इंच पर रिंग बनाया गया दोस्तों, 6-6 इंच पर, ठीक है। आप लोगों को 6-6 इंच पर बांधना है, ठीक जी। दोस्तों मैं फिर साइड में आया हूँ, आज देखना है कि कल कितना काम हुआ है और आज कितना काम होगा और कैसे हुआ, कितना लेबर मिस्त्री पर हुआ है, तो आज इसी चीज़ का जानकारी देंगे। तो अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये साइड है, क्योंकि इसका कुछ वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं, लेआउट का, लेआउट का तो नहीं बनाए हैं, एक्चुअल प्लिंथ बीम का बनाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 फीट हाइट कुर्सी है, आप देखिए ये सारा प्लान को आप देख लीजिए, हम सारा प्लान को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले पूरा प्लान को देखिए आप, ठीक है। ये दीवार है, ये पार्किंग लेवल का दीवार है, ठीक है। हम इधर से भी दिखा सकते हैं, ये पार्किंग लेवल का दीवार है, या फिर हम नीचे से उतर करके आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, ये पार्किंग लेवल का दीवार है, ठीक है। और ये जो है घर का कुर्सी लेवल का दीवार है, तो ये फुल पार्किंग है, ठीक, ये फुल पार्किंग है। और इसमें जो है ये घर है, इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या है, ये टैंकी है, ठीक है। चले मैं पहले टैंकी को ही दिखा दूँ, ये टैंकी है, ठीक है, टैंकी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कल का क्या काम हुआ है। तो दोस्तों देखिए कल का जो है वहाँ से लेकर ये पूरा सेटरिंग करके, ठीक है, वहाँ तक ढलाई हुआ है और थोड़ा सा एक जगह और हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। तो कैसे हुआ है सेटरिंग, तो देखिए सिंपल है तरीका दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये हम उठाकर एक क्लिप्स बनाया गया है, आप देखिए ये क्लिप्स है। हम लोग क्या किए, इस क्लिप्स को जो है जब सेटरिंग किए हैं ऐसे करके ऐसे फंसा दिया गया है, ठीक है। इसमें दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे करके ही सारा सेटरिंग किया गया है, ठीक है, पूरा ऐसे ही सेटरिंग किया गया है। हम आपको उधर भी दिखाएंगे। और इसमें बीम जो बांधा गया है, तो आप बीम देखिए, जो बीम बांध कर ही तो सेटरिंग किया गया, ढलाई किया गया, देखिए ये बीम है, ठीक है। इसमें जो है 10 mm का बार इस्तेमाल किया गया है और 8 mm का रिंग के लिए, मैं नीचे उतर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। बीम जो है इसमें 6-6 इंच पर रिंग बनाया गया दोस्तों, 6-6 इंच पर, ठीक है। आप लोगों को 6-6 इंच पर बांधना है, ठीक है। ये कुर्सी के ऊपर बीम दिया गया है, जो प्लिंथ बीम तो नीचे हो गया है, देख सकते हैं आप, प्लिंथ बीम के बाद जो चिनाई हुआ है 9 इंच का, उसके ऊपर यह बीम दिया गया है, ठीक है। ये बीम को देखिए, और हम आपको बता रहे थे कि कल क्या काम हुआ है, तो वो ढलाई का काम हुआ है और ये थोड़ा सा ढलाई हुआ है, ठीक है, सेटिंग करके। इसमें 2 मिस्त्री 3 लेबर लगा है दोस्तों, इतना काम करने पर, और वो जो है पूरा जो आपको दिखा है उतना काम करने पर 2 मिस्त्री 3 लेबर लगा है। अभी देखिए यहाँ मिस्त्री लोग जो है बीम को बांध रहा है, ठीक, अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको वही दिखा रहे थे कि सेटरिंग कैसे किया जाता है, तो सेटरिंग बहुत इजीली है। देखिए यहाँ पे भी हम आपको उठा करके नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि नीचे से हम उठा रहे हैं, देखिए बहुत इजी है, बस कुछ नहीं है, बस देखिए दोस्तों ये क्लिप्स है, हम आपको पहले भी दिखाएं, बस ये क्लिप से ही जो है सेटरिंग किया जाता है, बस ऐसे खींच लेना है, फिर इसको बैठा देना है, लेकिन हाँ ये जो है जब हम लोग तख्ता लगाते हैं तो इसमें एक लाइन काठी होता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइन काठी क्या होता है, कैसे होता है, जैसे देख रहे हैं ये तख्ता में एक काठी है, ये काठी क्या काम करता है, 2 साइड काठी मारना है, ठीक है। ये काठी का काम क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पर काठी मारना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पर काठी मारना है, तब जो है इसी काठी पर ऐसे करके अटका हुआ रहेगा, ठीक है, काठी पर ही अटका हुआ रहेगा, तभी उस क्लिप्स को लगाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही पावरफुल सीख मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।